ganar कम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2021 की सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दोस्तों पुष्पा द रइस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और सिम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सिम को डायरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोअर्जुन के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप दूसरे इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप दूसरे काफी बार इनको को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इस इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसम ने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फ़िल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाइस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो आई, अब पुष्पादा जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म फिल्म जो कि नंबर पर की है, की फिल्म। पर फिल्म। को भी काफी पसंद आ चुकी और यह रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप जिसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो पुष्पा द राइस था यानी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक ख़ुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुक कुमार ने स्क्रीन पे भी शुक कुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरलॉस जो कि कुबा प्रजो इस फिल्म के सिनेटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है फिल्म को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइथी मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोमेंट्स और ए फिल्म इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत इंटरप्राइजेस के नाटका में सिंह को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में, में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो वॉडा मोहित इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम इस फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलव जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फासफ फादिल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय गोश हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी जे का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसलिए जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस टी, आ, के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करना में के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी एस एसपी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो परवतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दयानंद फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनीर जो के मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज किरण दासू इस फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया है समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो इस के राइट्स जो गोल्ड के पास से जब इस फिल्म को पर रिलीज करवाया गया तो इस फिल्म को प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज करवाया गया था अब यहां पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड मैं पास थे तो गोल्ड मैंने अपने टीवी चैनल पर काफी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहां पर आप दोस्त गोल्ड मैं टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता इस फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो, जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और को स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर तो पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर तो पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के, के तौर तो पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर तो पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर तो पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलुगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि यह फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइज़ के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वर्यन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अल्लूज उनका झुकेगा नहीं साला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर और टी -टी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप उसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा

किस की सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और सिम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सिंध को डायरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोअर्जुन के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितना वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप दोस्तों ने इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप दूसरे काफी बार सिम को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इस इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसम ने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फ़िल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म फिल्म जो कि नंबर पर के की फिल्म। पर फिल्म। को भी काफी आ चुकी और यह रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप जिसको बता दूं यहाँ पर जो कि फ़िल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो पुष्पा द राइस था यानी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो, जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक ख़ुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुक कुमार ने स्क्रीन पे भी शुक कुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरलॉस जो कि कुबा प्रजो इस फिल्म के सिनेटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इस फिल्म को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइथी मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोलमेंट्स और ए फिल्म इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेस के नाटका में से को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में, में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो वॉडा मोहित इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्सस पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम इस फिल्म का मना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह की से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलव जो इस फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फासफ फादिल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का, का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय गोश हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी जे का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसलिए जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू इस के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अंटावा, अंटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहां पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फिल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्डमेंट्स के पास से जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड उन्हें अपने टी चैनल पर काफ़ी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता इस दो फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और को स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलुगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि यह फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइज़ के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वर्यन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं सला जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने आ, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर और टीटी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप उसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा

किस की सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और साम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सिम को डायरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं तलम, और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोअर्जुन के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत सस्प एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दराइज फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप दोस्तों ने इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप दूसरे काफी बार सिम को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फ़िल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इस फिल्म को हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इसमें हिंदी के अंदर भी लगभग सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है ना जो हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो आ, आ, पुष्पादा पुष्पा की सुपर हिट और, और, एक और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप जिसको बता दूं यहाँ पर जो कि इस फ़िल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो पुष्पादा राइस था यानी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक ख़ुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुक कुमार ने स्क्रीन पे भी सुकुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरलॉस जो कि कुबा प्रजो इस फिल्म के सीनोटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इसम को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइथी मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर जो कि के केरला में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोलमेंट्स और ए फिल्म इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत इंटरप्राइजेस के नाटका में से को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो वॉडा मोहित इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम इस फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी, भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की, की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलव जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी जो कि आई ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे करें अनसूर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दाक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफी सारे जो कास्ट वगैरह है जिसमें अजय गोश हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी जो का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसमें जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिसम के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो परवतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अंटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फिल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्डमेंट्स के पास से जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड मैंसने टी टीवी चैनल पर काफ़ी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेमे जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलुगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोल्ड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अल्लूज उनका झुकेगा नहीं साला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने आ, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर और टीटी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा

किस की सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और सिम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सिम को डायरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोअर्जुन के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत सस्प एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दराइज फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितना वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप दूसरे इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप काफी बार सिम को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर पर आ चुकी है अर्जुन की फिल्म और यहां पर यह फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फ़िल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो पुष्पा द राइस था यानी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर आल्लू अजुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक ख़ुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुक कुमार ने स्क्रीन पे भी सुकुमार ने लिखा हुआ यहां ने है यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेटोग्राफी की तो मेरलॉस जो कि कुबा प्रजो इस फिल्म के सीनोटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इसम को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइत्री मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोलमेंट्स और ए फिल्म इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत इंटरप्राइजेस के नाटका में से को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो वॉडा मोबाइल इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्सस पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर अलव जो इस फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले कर रहे हैं फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंधारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसूर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दाक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफी सारे जो कास्ट वगैरह है जिसमें अजय गोश हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसमें जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिसम के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पी होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो परवतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पे ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फ़िल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्डमेंट्स के पास थे तो ग्ड मैंसने अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकते हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको तो बता दूँ फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है न, मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेमे जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगू जो कि मेकर यानि प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलुगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोल्ड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अल्लूज उनका झुकेगा नहीं साला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने आ, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म पर और टी -टी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा

इसकी सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर फिल्म का जोना था एक्शन थ्रिलर और सम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सम को डायरेक्ट किया हुआ था सुकुमार ने और इससे पहले सुकुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत सस्प एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दराइज फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितना वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप दूसरे इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप काफी बार सिंह को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर यह फिल्मी अल्लू अर्जुन की फिल्म और यहाँ पर ये फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वगैरह था वो पुष्पा द राइस था यानी फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फ़िल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया अशोक कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा हुआ है और यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरे लोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर हैं जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूजिक दिया हुआ फिल्म को देव प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइथ्री मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोरमेंट्स और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज़ कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो वॉडा मोहित इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जोके जो कि सॉन्ग्स वगैरह की, की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके मे अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलव जो इस फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंगारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसूर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दाक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफी सारे जो कास्ट वगैरह है जिसमें अजय गोश हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी जो का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसमें जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिसम के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो परवतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पे ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फ़िल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड के पास थे तो ग्ड मैंसने अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता इस फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकुबा बुजोक को मिला था जावेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूजिक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के, के तौर पर डीएसपी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रोबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्धरे श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के, के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलुगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वर्यन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफि गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अल्लूज उनका झुकेगा नहीं सला जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर और टीटी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा

इसकी सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोना था एक्शन थ्रिलर और सम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सम को डायरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप दूसरे इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रोसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर यह फिल्मी है अल्लू अर्जुन की फिल्म और यहाँ पर यह फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वगैरह था वो पुष्पा द राइस था यानी फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदर की लकड़ियों की आ, स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फ़िल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया अशोक कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा है और यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरे लोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर हैं जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूजिक दिया हुआ फिल्म को देव प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ माथ्री मूवी मेकर मुट्टा सैट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीज ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोरमेंट्स और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज़ कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो वॉडा मोहित इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर अलव जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो है यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंगारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर, कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसलिए जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस फिल्म के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम इसम के अंदर पुष्पास्की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पी होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पे ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फ़िल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड मैंसने अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकते हो और यहाँ पर आगे आ फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी ग्द को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और को स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूजिक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के, के तौर पर डीएसपी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रोबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्धरे श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के, के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगू राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फ़िल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वर्यन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफि गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं सला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म पर और टीटी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा

इसकी सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोना था एक्शन थ्रिलर और सम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पे और सम को डरेक्ट किया हुआ था सुकुमार ने और इससे पहले सुकुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोअर्जुन के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इनको 17 दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इनको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसमें हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाइस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो आई, अब पुष्पादा जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर यह फिल्मी है अल्लू अर्जुन की फिल्म और यहाँ पर यह फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूँ जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वगैरह था वो पुष्पा द राइस था यानी फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदर की लकड़ियों की आ, स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फ़िल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया अशोक कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा है और यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरे लोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर हैं जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूजिक दिया हुआ फिल्म को देव प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माथ्री मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोल्ड माइंस और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज़ कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि वॉडा मोबाइल इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक उन, मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फ़िल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह की से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलव जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसलिए जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास्की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले, प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो परवतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू के अंदर मोगली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पे ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फ़िल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड मैंस के पास थे तो गोल्ड मैंसने अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार फ़िल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड मैंस के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकते सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो इस फिल्म तो को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फ़िल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जैके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकबापोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूजिक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डीएसपी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रोबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्धरे श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफ़ी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकेंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार का एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फ़िल्म जो कि रिलीज़ भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगू राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वर्यन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब यह फिल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोल्ड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अल्लूज उनका झुकेगा नहीं सला जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके लुक्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म अमेजोन प्राइम पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप जिसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा मूवी से रिलेटेड वन और टू दोनों मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड रहने के लिए आदमी चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दो हजार इसकी सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर सीम का जो था एक्शन थ्रिलर और सो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में इस का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पे और सम को डरेक्ट किया हुआ था सुकुमार ने और इससे पहले सुकुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं वो संग और यहां पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज के साथ और यहां पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी ऑफिस पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप ने काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें सिम यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इस इनको 17 दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इस इनको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसमें हिंदी के अंदर भी लगभग सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो प, अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर पर आ चुकी है अल्लू अर्जुन की फिल्म और यहाँ पर ये फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि का जो टाइटल वग़ैरह था वो द राइस था यानी का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुक कुमार ने स्क्रीन पे भी सुकुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेटोग्राफी की तो मेरलॉस जो कि कुबा प्रजो इस फिल्म के सीनोटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इसम को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी माइथी मूवी मेकर मुट्टा सैट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोलमेंट्स और ए फिल्म इस को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत इंटरप्राइजेस के नाटक में से को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि वॉडा मोबाइल इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फ़िल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की, की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा अर्जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलउुन जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जिसमें जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले, प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अंटावा, अंटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहां पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फिल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्डमेंट्स के पास से जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इसम के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड उन्हें अपने टी चैनल पर काफ़ी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो इस काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फ़िल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जेके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकबापोक को मिला था जावेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूजिक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डीएसपी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रोबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्धरे श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफ़ी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकेंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार का एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फ़िल्म जो कि रिलीज़ भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगू राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूबर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं सला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म पर और टीटी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप उसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा मूवी रिलेटेड वन और टू दोनों मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दो इसकी सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म दो सो पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फ़िल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ टी टी पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्पा दरा इस मूवी के बारे में तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज़ हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था और ये पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर फिल्म का जो था एक्शन थ्रिलर और सो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पे और सम को डरेक्ट किया हुआ था सुकुमार ने और इससे पहले सुकुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत सस्प एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंड के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको 17 दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इसम ने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो प, अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर पर आ चुकी है अर्जुन की फिल्म और यहां पर यह फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वगैरह था वो द राइस था यानी का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फ़िल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुभ कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर है। इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरे लोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इस फिल्म को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइथी मूवी मेकर मुट्टा सेटी मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोरमेंट्स और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि मोवे थे इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की, की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलवा अर्जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर अलव जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फासफ फादिल फ़िल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी जो कि आई ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंधारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात तो यहां पर मंगलम सिरू का श्रीनु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर बात करें राव रमेश की तो यहां पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर धनंजय इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसुर्या भरद्राज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसलिए जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम सिम के अंदर पुष्पास्की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना ना एसपी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि सिम के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया नंद के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरंद दासू के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अंटावा ओ अंटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पे ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फ़िल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड मैंस उन्हें अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो इस फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फ़िल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जेके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकुबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्री श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि रवीश, वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूजिक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डीएसपी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रोबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्धरे श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफ़ी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकेंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार का एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फ़िल्म जो कि रिलीज़ भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब पर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अर्जुन का झुकेगा नहीं सला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर और टीटी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप उसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा रिलेटेड वन और टू दोनों मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2021 हज़ार इक्कीस की सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म दोस्तों पुष्पा द रईस फ़िल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर दोस्तों बात करें पुष्पा दराइस मूवी के बारे में तो यह 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इस उनको थिएटर में रिलीज करवाया गया था और यह पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पे और सम को डरेक्ट किया हुआ था सुकुमार ने और इससे पहले सुकुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंड के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप ने काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको 17 दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इसम ने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो आग, अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर पर आ चुकी है अल्लू अर्जुन की फिल्म और यहाँ पर ये फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो द राइस था यानी फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की आ, स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर अब एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुभ कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर है। इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरलोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इस फिल्म को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माइथी मूवी मेकर मुट्टा सेटी मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लैका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोरमेंट्स और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि मोवे थे इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम इस फिल्म का मना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फ़िल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलू अर्जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलव जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास फादिल फ़िल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी जो कि आई ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंधारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात तो यहां पर मंगलम सिरू का श्रीनु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर बात करें राव रमेश की तो यहां पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर धनंजय इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर, पर, पर श्री तेज जिस के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करना में के अंदर पुष्पास की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ना एसपी इंस्पेक्टर का रोल प्ले, प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है, है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दयानंद इस फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनीर जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर राज तिरन दासू इस फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फिल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड मैंस उन्हें अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फ़िल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया था। तो यहां आ, यहां भी हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फ़िल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जेके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और को स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि च... श... वाई रविशंकर को मिला हुआ को मिला है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगू राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब पर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं सला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने आ, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर और टी -टी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप उसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा मूवी रिलेटेड वन और टू दोनों मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2021 हज़ार इक्कीस की सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म दोस्तों पुष्पा द रईस फ़िल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर दोस्तों बात करें पुष्पा दराइस मूवी के बारे में तो यह 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इक्कीस को थिएटर में रिलीज करवाया गया था और यह पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और सम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में इस फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पे और सम को डरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुख कुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप ने काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको 17 दिसंबर 2021 में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म जी आ, सो आग, अब ऑफिशियली जो कि फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो कि नंबर पर, पर यह फिल्मी है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप उसको बता दूं यहाँ पर जो कि फिल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो द राइस था यानी फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की आ, स्मगलिंग को दिखाया गया इस के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर अब एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया शुभ कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा हुआ है और यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर है। इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरे लोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इस फिल्म को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है माथी मूवी मेकर मुट्टा सेटी मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लैका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोरमेंट्स और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में, में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि मोवे थे इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम इस फिल्म का मना हुआ था बजट इस फ़िल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी वा 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 हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलू अर्जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर अलवाजुन जो इस है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास फादिल फ़िल्म के एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी जो कि आई ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का, तो का, का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय गोश हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसमें जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिसम के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करना में के अंदर पुष्पास्की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ना एसपी इंस्पेक्टर का रोल प्ले, प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दयानंद इस फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनीर जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर राज तिरन दासू इस फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्थन ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और इसके बाद यहाँ पर आपको बता दो फ़िल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्ड के पास थे जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजान प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड मैंड अपने टी वी चैनल पर काफ़ी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकते हो और यहाँ पर आगे आ फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जेके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफ यहां काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगू राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब पर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉक्स में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं सला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने आ, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर टी -टी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा मूवी रिलेटेड वन और टू दोनों मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड uh, रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2021 हज़ार इक्कीस की सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म दोस्तों पुष्पा द रईस फ़िल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर दोस्तों बात करें पुष्पा दराइ मूवी के बारे में तो यह 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज हुई थी और 17 दिसंबर 2021 को इक्कीस को थिएटर में रिलीज करवाया गया था और यह पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई थी और यहाँ पर फिल्म का जोरा था एक्शन थ्रिलर और सम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में फिल्म का रनिंग टाइम था और एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पे और सम को डरेक्ट किया हुआ था सुख कुमार ने और इससे पहले सुख कुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं लोज उनके साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगमस् रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत पे एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप सुनिए इस फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप ने काफी बार फिल्म को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इस इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसमें हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है ना जो हाईएस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो आ, आ, पुष्पादा है और, 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 एक और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप जिसको बता दूं यहाँ पर जो कि इस फ़िल्म का जो टाइटल वग़ैरह था वो द राइस था यानी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक खुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दरा इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया अशु कुमार ने स्क्रीन पे भी अशु कुमार ने लिखा हुआ है यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के नवीन यानिनी और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मेरलॉस जो कि कुबा प्रजो इस फिल्म के सनोटोग्राफी एडिटर है जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है इसको देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी माइत्री मूवी मेकर मुट्टा सेट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोलमेंट्स और ए फिल्म इस को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेस के में से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में, में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि मोवे थे इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मना हुआ था बजट इस फ़िल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पर फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अलू अर्जुन के काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर, पर अलउ्जुन जो इस है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादिल फिल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी जो कि आई ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंडारी जो है फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम पी भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी इस फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय सिंह के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्भुखा है जो इसमें जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस टी के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करना में के अंदर पुष्पास्की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी सिम के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ना एसपी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि सिम के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दयानंद फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनीर जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर राज किरण दासू इस फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओटावा ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको बता दो जब इस फिल्म को पर रिलीज करवाया गया तो इस फिल्म को प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज करवाया गया था अब यहां पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट्स इस फिल्म के गोल्ड के पास थे तो गोल्ड मैंने अपने टीवी चैनल पर काफी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहां पर आप दोस्त गोल्ड के टी वी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आ फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दो फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जेके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे स्लियोकुबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिनेटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेम जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलुगु जो कि मेकर यानी प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफ़ी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पे काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलगू राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब पर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइन्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइज वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ़ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइज वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉक्स में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं सला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके क्स और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने आ, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म Prime पर टी -टी पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा रिलेटेड वन और टू दोनों मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की स्टीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2021 की सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म दोस्तों पुष्पा द रईस फिल्म के बारे में जी हाँ सो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रईस जो कि अब ऑफिशियली आने जा रही है इस फिल्म को जो कि ओ पर भी सॉरी हिंदी में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ करवाया जाने वाला है और साथ ही आप दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली कैसे वॉच कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर दोस्तों बात करें पुष्पा दराइ मूवी के बारे में तो यह 2021 में दिसंबर मंथ में रिलीज हुई थी और 17 दिसंबर 2021 हजार इक्कीस को इसको थिएटर में रिलीज करवाया गया था और यह पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई थी और यहाँ पर इस फिल्म का जो था एक्शन थ्रिलर और सम को दो घंटे उनसठ मिनट का रनिंग टाइम मिला है लगभग तीन घंटे में फिल्म का रनिंग टाइम था और ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और बहुत ही कमाल की जो कि फ़िल्म थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी उस टाइम पर और सिम को डायरेक्ट किया हुआ था सुकुमार ने और इससे पहले सुकुमार काफ़ी कमाल की मूवीज भी बना चुके हैं और रंगस्थलम और यहाँ पर इससे पहले जो कि आर्या आर्या टू जैसी सुपर हिट और एक्शन फिल्में बना चुके हैं अर्जुन के साथ और यहाँ पर उन्होंने जो कि रंगम रंगस्थलम फिल्म थी ना वो रामचरण के साथ बनाई थी लेकिन आर्या टू आर्या वन जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ और वो फिल्म भी बहुत सस्प एक सुपर हिट और एक्शन जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी पुष्पा दराइज फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ फिल्म को रेटिंग मिली हुई है टेन बाय सेवन पॉइंट सिक्स की और इस फिल्म का जो अपडेट्स निकल के आ रही है इस फिल्म को हिंदी में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाने वाला है वो भी ऑफिशियली यूट्यूब पर जी सो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने को मिलने जा रही है कब देखने को मिलेगी वो आगे बताऊँगा और साथ ही आप दोस्तों फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कितने वेट कर रहे थे इस फिल्म का और आप उसने फिल्म को कितनी बार देख लिया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी में लगभग इस फिल्म को तीन साल हो चुके आए हुए और आप दूसरे काफी बार सिम को एंजॉय किया हुआ होगा तो यहां पर हम दोस्तों बात करें सिम यानी पुष्पा दारा इस फिल्म के बारे में तो इसको सत्रह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ करवाया गया था हिंदी में भी और बाकी तेलुगु तमिल और बाकी लैंग्वेज में भी इस फिल्म को हिंदी में काफ़ी अच्छा था जो कि रिस्पांस मिला हुआ था और इसम ने हिंदी के अंदर भी लगभग सौ सौ करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था और यहाँ पर अल्लू अर्जुन की इससे पहले जो कि सुपर हिट और एक बहुत ही बड़ी जो कि हाइस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्म थी उस टाइम पर उनकी जो कि अलाविकुनतम फिल्म और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइनली जो फिल्म बन चुकी है नंबर वन पर जो फिल्म अभी इस टाइम पर हो रही है जो कि हाइस्ट ग्रोसिंग वाली वो है जो कि 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 पुष्पा पुष्पा द द राइज राइज फिल्म 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 जी आ, सो आग, अब ऑफिशियली जो जो फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म जो के वन पर चुकी है है और और ये नंबर पर पर आ पुष्पादा फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है और ये फिल्म बॉक्स पर सुपर हिट और एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म भी बन चुकी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में तो आप जिसको बता दूं जो कि पुष्पा द राइज एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी और यहां पर इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है तो इस फिल्म के बारे में आगे बात करें तो आप जिसको बता दूं यहाँ पर जो कि इस फिल्म का जो टाइटल वगैरह था वो द राइस था यानी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो बनाया गया था ना वो था जो कि यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर चंदन की तस्करियों को दिखाया गया यानी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग को दिखाया गया के अंदर और यहाँ पर अर्जुन के स्वैग को दिखाया गया और वो कैसे वो एक यहाँ से जो कि स्टार्ट करते हैं वो जो कि लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं और वहाँ से वही काम से जो कि लगा के और वो एक ख़ुद जो कि बहुत ही बड़े जो कि स्मगलर बन जाते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट बन जाते हैं और वो कैसे बनते हैं वो फिर में आपको दिखाया गया है और एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की थी जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही अच्छी कमाल की फिल्म बनी थी और ऑडियंस को भी पसंद आई हुई थी तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें इस फिल्म यानी पुष्पा दराइ इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया अशोक कुमार ने स्क्रीन पर भी सुकुमार ने लिखा है और यहाँ पर डायलाग्स वगैरह श्रीकांत वैसा ने लिखे हैं प्रोड्यूसर है। इस फिल्म के नवीन यानि और यहाँ पर जो कि यालन मंचली रवि और शंकर हैं और यहाँ पर बात करें सिनेमामोटोग्राफी की तो मेरे लोस जो कि कुबा प्रजोस इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी एडिटर हैं जो कि कार्तिका श्रीनिवास रूबिन हैं और यहाँ पर म्यूज़िक दिया इस फिल्म को देवशी प्रसाद ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ माइथी मूवी मेकर मुट्टा सैट मीडिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ई फोर इंटरटेनमेंट जो कि के केरला में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लेका प्रोडक्शन कंपनी और यहाँ पर श्री लक्ष्मी मूवीस ये तमिलनाडु में जो कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी के अंदर गोरमेंट्स और ए फिल्म फिल्म को जो कि प्रोड्यूस कर रही थी और जो कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वागत था इंटरप्राइजेज कर्नाटका में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को सत्रह दिसंबर दो में रिलीज़ करवाया गया था और ये एक जो कि वॉडमो इस फिल्म का बहुत ही कमाल का निकला था और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी निकली थी जिस वजह से ऑडियंस को पसंद आई और यह फिल्म बहुत ही कमाल की चली और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी एक उन, मिनट रनिंग टाइम फिल्म का मिना हुआ था बजट इस फिल्म का जो था ना उस टाइम पर लगभग दो से ढाई करोड़ बजट था और फिल्म ने तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर और एक ब्क फिल्म साबित हुई थी उस टाइम पे इस फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी वायरल हुए थे जिसकी वजह से इस फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स मिला हुआ था काफ़ी जो कि मूवी को बहुत ही कमाल का जो कि एक अच्छा जो कि वहीं से जंप मिला था जो कि सॉन्ग्स वगैरह की वजह से क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी वायरल काफ़ी हुए थे रील्स में भी और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर भी सॉन्ग्स को काफ़ी जो कि वायरल हुए थे श्रीवली सॉन्ग था ओवन टावा सॉन्ग था जो हिंदी में भी जो कि रिलीज़ हुआ था उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे ना अल जिनके काफ़ी जो कि वायरल हुए थे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कास्ट के बारे में यहाँ पर अलव जुन जो है फिल्म के अंदर है ना वो पुष्पा भाऊ का यानी पुष्पा राज का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर और यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो फास्फ़ादेल फ़िल्म के अंदर एस पी भवर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर एस पी ए जो कि आई पी एस ऑफिसर होते हैं उसके बाद यहाँ पर रश्मिका मंदना शिरवली का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जगदीश प्रताप भंधारी जो इस फिल्म के अंदर केशवा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील की बात करें तो यहाँ पर मंगलम सिरू का श्रीनु का रोल प्ले करें और यहाँ पर बात करें राव रमेश की तो यहाँ पर एम भूमि रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर धनंजय भी फिल्म के अंदर जाली रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं अनसुर्या भरदराज फिल्म के अंदर जो कि दक्षिणी दक्षा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर मोलिटी मोहन राज का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और भी काफ़ी सारे जो कास्ट वगैरह जिसमें अजय घोष हैं जो कोंडा रेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु हैं जो डी एस पी जो का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर शम्बुखा है जो इसलिए जक्का रेड्डी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर श्री तेज जिस के अंदर मोलिटी जो कि धर्मराज का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पवानी कर्णन करनाम फिल्म के अंदर की नेफ्यू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर मिमी गोपी फिल्म के अंदर चिन्नई मुरुगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रह्मा जीना एस पी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर जिनका नाम कुप्पीराज होता है और यहाँ पर जो कि कला कल्पथा जो कि फिल्म के अंदर जो पर्वतम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दया दया फिल्म के अंदर जो है ना वो मुनि जो कि मुनिरात नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राज तिरण दासू फिल्म के अंदर मोगली सू का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया समन्था इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग में देखने को मिली थी जिसका नाम था ओ अनटावा सॉन्ग था ना उसके अंदर देखने को मिली थी जो कि एटम सॉन्ग था और वो सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था और काफी जो कि कमाल का उस टाइम पर ऑडियंस को भी पसंद आया हुआ था और सॉन्ग के लिए जो कि यहाँ पर जो कि चार्ज किया हुआ था पाँच करोड़ जो कि समन्था ने लिया था उस सॉन्ग को करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप उसको बता दो फिल्म के राइट्स वगैरह जो गोल्डमैन के पास से जब इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया तो इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज़ करवाया गया था अब यहाँ पर बात करें हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी राइट फिल्म गोल्ड माइंड के पास थे तो गोल्ड माइंड उन्हें अपने टी चैनल पर काफ़ी बार इस फिल्म को प्रीमियर किया हुआ है और इस बार भी काफ़ी जो कि बार इस फिल्म को प्रीमियर किया जाता है तो वहाँ पर आप दोस्त गोल्ड के टी चैनल पर भी इस फिल्म को देख सकती हो और यहाँ पर आगे आए इस फिल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता इस फिल्म को, को काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी इस फिल्म को जो कि पसंद भी किया हुआ था तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह के नेशनल अवार्ड मिला हुआ था अल्लू अर्जुन को और यहाँ पर डी को जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है डी को और यहाँ पर सिद्ध श्री राम को जो इस फिल्म के जो कि शिवली सॉन्ग के जो राइटर वगैरह थे और यहाँ पर और भी काफी सारे जेके इंद्रवती चौहान को मिला था ओवन टावा सॉन्ग के लिए और मेरे को कुबा बजोक को मिला था जवेद अली को मिला था श्रीवली सॉन्ग में और यहाँ पर सुनिधि चौहान को जो कि नोमिटेड थी और सामी सामी सॉन्ग के लिए और या नवीन यारनिनी फिल्म के अंदर थे रवि वाई रविशंकर को मिला हुआ है सुकुमार को मिला हुआ अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के तौर पर और रश्मिका मंदना को भी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर मिला हुआ है म्यूज़िक जो कि मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर डी को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स के तौर पर चंद्र रबूस को मिला हुआ है मोस्ट पॉपुलर सिंगर मेल के तौर पर सिद्ध श्री राम को मिला हुआ है और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फेमे जो कि सिंगर के तौर पर जो कि इंद्रवती चौहान को मिला हुआ है मैथी मूवी मेकर बेस्ट तेलगु जो कि मेकर यानि प्रोड्यूसर के तौर पर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु हैं जो सुकुमार उनको मिला हुआ है और भी काफी सारे जो कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और यहाँ पर इस फिल्म का जो सेकेंड पार्ट आ रहा है ना वो भी काफ़ी अभी इसी टाइम पर काफी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है अभी भी उसने जो कि अभी तक वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई लेकिन उसने एक हज़ार कर एक हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जी हाँ सो अभी तक उस वो फिल्म जो कि रिलीज भी नहीं हुई लेकिन एक हज़ार का करोड़ का भी कलेक्शन उस फिल्म ने कर लिया ओ टी राइट्स भी उस फिल्म के ढाई सौ करोड़ में बिक चुके हैं और यहाँ पर उसके थिएटर राइट्स भी हिंदी में 200 करोड़ में बिके हैं और भी जो कि तेलुगु राइट्स हैं और भी काफ़ी सारे राइट्स मिला के और यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स को मिला के हज़ार करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया है बाकी बात करें इस फिल्म के हिंदी राइट्स के बारे में कि मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म हिंदी में अब यूट्यूब पर भी आने वाली है जब ये फिल्म जो कि ऑफिशियली यानी पुष्पा टू मूवी रिलीज़ होगी तो उससे पहले ये फिल्म आपको पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशियली गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों जब भी गोल्ड माइंस वाले अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं तो जो उन, उनकी फ़र्स्ट मूवी होती है जैसे के जी एफ चैप्टर टू मूवी आई थी उससे पहले गोल्ड माइंस वालों ने के जी एफ़ वन को रिलीज़ किया हुआ था उसके पास के जी एफ़ वालों के जो राइट्स वगैरह थे वो भोजपुरी थे लेकिन भोजपुरी वाला वरियन भी उस के मूवी का बहुत ही कमाल का चला था उसने कभी लगभग अभी तक 700 से 800 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और यहाँ पर जब ये फ़िल्म पुष्पा टू रिलीज़ होने वाली होगी उससे वन मंथ पहले यानी नेक्स्ट मंथ हमें जून जुलाई में पुष्पा टू जो पुष्पा वन जो मूवी है ना ऑफिशली गोड मैंस के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी आप दोस्त यूट्यूब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वेट करे हो या नहीं कम बॉस में बताना है और साथ ही आप उसने पुष्पा वन मूवी को कितनी बार देखा है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं साला सॉन्ग जो डायलाग था वो भी आपको याद है और यहाँ पर जो उनके और उनके साथ ही जो उनके स्टाइल था वो आपको कैसा लगा कम्स में बता देना और आप सुने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हो तो फिर भी आपने एम, मिस किया हुआ है तो फिर इस फिल्म को इंजॉय करना है और यहां पर यह फिल्म अमेजोन प्राइम परम पर, पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में और यहां पर यह फिल्म हिंदी में भी आप उसको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही जल्द जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ऑफिशियली रिलीज होती है या उससे पहले कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो पुष्पा मूवी सेटेड वन और टू दोनों मूवी सेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्त के साथ और अपडेटेड रहने के लिए लादमी चैनल को सब्सक्राइब करना है